हेलो, दिस इज एसकेवी एंड यू आर वाचिंग महिंद्रा इंग्लिश। बाबू समझिएगा, मैंने क्या बोला? पॉजिटिव डिग्री टू कंपरेटिव डिग्री और कंपरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। तो भैया अर्थ में ना परिवर्तन होता है। माने आप रिमूवल ऑफ टू पढ़े तो क्या बोलते हैं, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। तो आप यही ना बोलते हैं कि ही इज टू वीक टू वॉक। और उसको जब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ही इज सो उसके बाद वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बात तो दोनों बराबर हो गया। तो इसको कैसे आप पढ़े, रिमूवल टू में ना, रिमूवल ऑफ टू आप लोग क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो उसमें आप कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज टू डल फॉर ए डॉक्टर, वह इतना, समझ रहे हो ना, वह इतना कमजोर है कि डॉक्टर के लायक नहीं है, माने डॉक्टर नहीं बन सकता। तो आप रिमूवल ऑफ टू में क्या करते हो, चेंज करते हो ना कि ही इज और उसके बाद सो डल ही कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर। तो बी या बिकम वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया चार चैप्टर को इग्नोर करना है ट्रांसफॉर्मेशन का। एक तो डिग्री, एक रिमूवल ऑफ टू, एक नरेशन और एक वॉइस, और पांचवा जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, चेंज ऑफ सेंटेंस। मतलब वाक्य को कैसे हम परिवर्तन करें कि अर्थ में भी परिवर्तन ना हो, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स है कि बाबू टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस या टू चेंज द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग या विदाउट अल्टरिंग द सेंस। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब हम अर्थ में परिवर्तन किए बिना ही वाक्य के रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो वही तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब जो पढ़े, पहला जो पैटर्न होता है तीन तरीके से होता है, मैंने बताया था, देखिए। अच्छा एक मिनट, सेंटेंस जब हम आपको बताए थे तो कितने तरह का बताए थे, याद कीजिए। यही बात हमने बोला था कि 11th स्टैंडर्ड में बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मैंने बहुत चैप्टर, क्वेश्चन टैक्स हो गया, इम्फैटिक हो गया, ये सारा चीज़ बताए थे। ये टेंस का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गया, मॉडल्स का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गया, या बेसिक बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स जिसको मैंने बताया था। तो एक चीज़ समझने वाली बात है, ज़रा समझ करके देखिए कि उसमें क्या है। हमारा हर एक जगह पर कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, नहीं? जैसे मान लीजिए नरेशन बना रहे थे, इम्परेटिव या इम्फैटिक प्लस क्वेश्चन टैग आ जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो किस तरह से क्वेश्चन को हम वॉइस में चेंज करेंगे, ये भी आता है ना। तो बहुत तरह का सेंटेंस आता है। तो मेरा ये कहना था कि बाबू हम जो पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देख लीजिए, एक ध्यान दीजिए, हम एकदम छोटा सा वाक्य बता रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। मैंने लिखा डोंट मेक ए नॉइस, एक आपको बनाने के लिए दिए, इसका मैंने बोला नेगेटिव है, मान लो कि नेगेटिव है, मैंने क्या लिखा डोंट मेक ए नॉइस, मतलब हल्ला मत करो। बराबर क्या हुआ, शांत रहो, मेरी बात को समझो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इतना भी कॉमन सेंस हम लोग नहीं अपनाई करेंगे तो सर हम लोग में कमी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या, हल्ला मत करो, बराबर तू क्या कहना चाह रहे हो, और अब हम पॉजिटिव में कहें शांत रहो, बराबर बोलो नेगेटिव में। मेरे भाई यही फॉर्मेट हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जो बताए हैं वो फॉर्मेट यही है। जरा देखिएगा, ही इज नो फूल, वो मूर्ख नहीं है। अब बताइए, ही इज नो फूल मतलब वो मूर्ख नहीं है, नेगेटिव मैंने सेंटेंस रखा। अब जरा पॉजिटिव बनाइए, वह बुद्धिमान है, तो ही इज वाइज, यही पैटर्न सिखा रहे हैं भैया। नेगेटिव से अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो अफर्मेटिव में मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया, फिर तो रिपीट हो गया नेगेटिव में, अपोजिट वर्ड मिला करके बनाए थे, अब इसको हम रिमूव कर देंगे। अब देखिए इधर रखेंगे नेगेटिव, उधर पॉजिटिव कर देंगे। देखिए नॉट विदाउट, डबल नेगेटिव कल बताया था, अब उधर हटा देंगे। याद रखिएगा, अभी हम इसको सब चर्चा में लाएंगे, एक एक समझाएंगे, आप जितना एकदम समझने की कोशिश कीजिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो समझना है ना।
मेन तो सब कुछ समझना है ना, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको दूगो को छोड़ देना, आपको अगर मैं पॉजिटिव कंपरेटिव, तो पॉजिटिव कंपरेटिव तो सारा पैटर्न मैं बता चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ, क्लास छूटा हुआ होगा तो डोंट माइंड, लेकिन करवा चुका हूँ। रिमूवल ऑफ टू अगर नहीं पढ़ा है तो रिमूवल ऑफ टू तो पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। अरे जैसे वो ऑनलाइन तो कुछ अलग हो गया, ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं तो अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो तुम्हारा चैप्टर में है तो पढ़ाएंगे ना, तो ये दो तो, ये तो दोनों चैप्टर में चला गया बाबू, तो इसको तो अब हम ना रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये तो डिग्री अलग चैप्टर हो गया और रिमूवल टू, लेकिन है तो ट्रांसफॉर्मेशन ही ना। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि एक चीज़ हम आपके पास लिख रहे हैं, अब इसको मिटा करके, कि बाबू मैंने क्या कहा, यहाँ पे जरा देखना, ही इज टू और यहाँ पे लिखे वीक, और तब लिखे टू और यहाँ पे लिखे वाक। अब हमको खाली बता दीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, कि ई टी डबल ओ टू, आप समझ रहे होंगे टू क्या है, अरे भैया यह न रिमूव करना है, ये किसका पैटर्न है, रिमूव टू का पैटर्न है। तो जैसे आप कैसे बनाइएगा, ही इज टू वीक टू वाक, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ही इज और सो वीक, और उसके बाद क्या लगाते हो, दैट, और फिर उसके बाद ही लगाओगे, और प्रेजेंट रहता है तो क्या लगाते हो, कैन नॉट, और उसके बाद क्या लगा है, वाक। अब देखो ये जो सेंटेंस था हमारा क्या था, रिमूवल टू का था, और हमने इसको हटा करके एक सेंटेंस बना दिया। तो ज़रा सा सेंटेंस जब बनाए तो एकर अर्थ दोनों में परिवर्तन हुआ, बट उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आप जानते हो तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो आसान हो गया, और जो नहीं जानते हो वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे मैंने बोला ही सो वीक दैट ही कैनोट वर्क, तो कुछ न कुछ तो रूल आप यूज किए तब ना रिमूवल टू को चेंज किए। तो ज़रा यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या बोला, ही इज़ टू वीक टू वर्क, तो ही इज सो, तो टू के जगह पर सो लगा दिए, और वीक वैसे ही छोड़ दिए, और ये जो टू है उसके जगह दैट लगाए, और ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन होता है जो यहाँ पे यूज करते हैं, प्रोनाउन होता है, यानी अगर नाउन भी रहेगा फिर भी, प्रोनाउन भी रहेगा फिर भी, और यहाँ पे यूज करते हैं। और फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट का भाव दे रहा है तो कैन नॉट, आप पास्ट का भाव दे रहा है तो कुड नॉट, और फिर भी वन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, अगर मान लीजिए कि कुछ और है कॉम्प्लीमेंट वगैरह है तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो सर ये तो रिमूव टू की बात कर रहे हैं ना, हम तो बोला कि रिमूव टू एक चैप्टर ही पढ़ना है, डिग्री आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ठीक है कि इस तरीके से अगर हम लोग इसको करेंगे, तो अब हम एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा देखिए लिखा हुआ है कि कुछ रूल नहीं, खाली कुछ याद करना, सम स्पेशल रूल विच डज नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ ऐसे खास नियम होते हैं जो कोई नियम को फॉलो नहीं करते। अर्थ ज़रा देखिए, मैंने बोला ही इज अ गुड म्यूजिशियन, मतलब क्या हुआ कि वह एक अच्छा ठीक है ना संगीतकार है, मेरी बात को समझिएगा। अब इसको हम उधर ले गए तो थोड़ा सा एडवांस है, ही इज नो म्यूजिशियन, तो ये कह रहा है ना कि कह रहे ना कि उसके लिए म्यूजिक कोई अर्थ नहीं रखता है, म्यूजिक कोई मायने नहीं रखता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई म्यूजिक वो अच्छा जानता है तभी तो ही इज ए गुड म्यूजिशियन है। और यहाँ पे मैंने जब नेगेटिव इसको बनाया तो नो लगाया मीन लगाया, और नो मीन का मतलब हुआ कि ही इज नो मीन म्यूजिशियन, कह रहा है कि म्यूजिशियन उसके लिए कोई मायने नहीं रख, मतलब अरे भैया कह रहे अंग्रेजी ओकरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, कह रहे 10-20 हज़ार रुपया कोई मायने रखता है उसके लिए, मतलब कि 10-20 हज़ार उसके लिए बहुत नॉर्मल है, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा लेबल आपका एडवांस हो जाता है, मैंने सोचने का आपका स्टेम, एक में रूल नहीं होता है, मैंने जो बताया उसके पहले रूल था, रिमूव टू चेंज किए तो रूल था, अगर मान लीजिए डिग्री बताए तो एक रूल था, लेकिन जब अब बात कर रहे हैं तो इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे एक बात और बता रहे हैं भैया, अभी जो एक बात बता रहे हैं
कि थोड़ा सा खाली प्रेशर अपने दिमाग पर देना है, ठीक है ना। क्या प्रेशर देना है कि आखिर इसका अर्थ कैसे समान हो रहा है। अगर तुम बोलो तो इसको पोत देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, और तू खाली इमेजिन करना, बनाने के लिए हम तुमको देंगे तो इमेजिन करना कि भाई आखिर इसको क्या करें कि इसका अर्थ मेंटेन हो जाए। ज़रा मैंने बोला आई अबस्टेन फ्रॉम वाइन, कह रहा है मैं दारू से परहेज करता हूँ। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा, अबस्टेन, अबस्टेन का मतलब जानते हैं क्या होता है, परहेज करना। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दारू से परहेज करता हूँ। ज़रा देखो तो कि आई डोंट टेक वाइन, तो ई तो बताओ कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में लाए थे, लेकिन ये कहे कि भैया मैं दारू नहीं पीता। अब थोड़ा बोल, थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, आएगा, लेकिन धीरे धीरे जोर नहीं डाल रहे हो इस पर। देख मेरे भाई, ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब का खेल है, और पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ फैसिलिटी देते हैं मात्र एक ही चीज़ के नाम पर कि आप पढ़ते हो, और अगर उसमें भी हम लोग अव्वल दर्जे से नहीं हैं तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो जोर थोड़ा सा हमको डालना है, जोर डालना है, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हमसे पूछना है, ठीक है। देखिए ये जो है माई सन वेंट टू स्कूल एवरी डे, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बेटा प्रत्येक दिन विद्यालय जाता था, एक बात बता रहा है। बोलो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट जब पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था कि बाबू ताथा तिथि भी अर्थ देता है। बाबू इनकार नहीं कर सकते हो, मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है। अब कंप्लीट करना और ना करना सर आपकी जिम्मेवारी है। अब ज़रा सा देखिए क्या है लिखा, क्या माई सन वेंट टू स्कूल एवरी डे, मतलब मेरा बेटा प्रत्येक दिन विद्यालय जाता था। कह रहा है मेरा बेटा कभी भी स्कूल में अब्सेंट नहीं रहता था। ज़रा बोल करके देखो बतिया को कि मेरा बेटा स्कूल में कभी अब्सेंट नहीं रहता था, इसका मतलब हुआ कि मेरा बेटा प्रत्येक दिन स्कूल में जाता था। आप मेरी बात समझ रहे हो, जब हम इसको मिटा देंगे और उसके बाद जब तुम इमेजिन करोगे तब ही दिमाग की बत्ती जलेगा और तब आपको समझ में आएगा कि हमको चेंज कैसे करना है। फिर से मैंने कहा यहाँ पे कि ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन, इज नो मीन ऑफ म्यूजिशियन। आई अबस्टेन फ्रॉम वाइन, आई डोंट टेक वाइन। माई सन वेंट टू स्कूल एवरी डे, माई ब्रदर नेवर अब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल। और ये कह रहा है, ठीक है, इट इज़ यूनिक। अच्छा एक चीज़ बताएं कि यह अनोखा है, और सुनो मेरे भाई, अनोखा का मतलब होता है कि जो दुनिया में एक हो। तो हम क्या लिखे कि नथिंग इज लाइक दिस, मतलब इसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो ज़रा कह के देखो तो कि एडवांस है कि नहीं। मैंने बोल दिया ठीक है ना कि भाई इट इज़ यूनिक। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, इट इज़ यूनिक, ये अनोखा है, यह एकमात्र है। मैंने कहा इसके जैसा कुछ भी नहीं। तो भैया अगर बोलते कि नथिंग इज लाइक दिस और बराबर इट इज़ यूनिक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इधर लिखे पॉजिटिव तो यही पॉजिटिव से इस तरफ लाएंगे और बन जाएगा नेगेटिव, और जब इसी तरफ ये नेगेटिव होगा तो उस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव। तो भैया नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव को ही बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। एक में तो खैर कोई रूल नहीं, दिमाग है। मैंने बोला आई लिव्ड ओनली अ फ्यू ईयर्स हियर, कह रहा है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहा। मैं देख लीजिए केवल कुछ दिन यहाँ रहा। अब यहाँ पे बोलो कि फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ दिन, दैट मीन्स कुछ साल की बात कर रहे हैं। फ्यू ईयर्स का मतलब हो गया कुछ साल, मैं यहाँ कुछ साल, ठीक है ना, रहा। अब ही करा आई डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स हियर, कह रहा है कि हम यहाँ बहुत दिन नहीं रहे, बराबर हो गया कि हम यहाँ कुछ दिन रहे। ई बाबू थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है। हम कहे दोनों तरफ से एक के बोल रहे हैं, कह रहे ना कि तुम यहाँ पे, मैंने बोला इस तरह के प्रकाश यहाँ पे तुम बहुत दिन रहे हो ना, तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सर बहुत दिन नहीं रहे, कुछ दिन रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। कहे कि आप कुछ दिन रहे हैं यहाँ, तो दूसर का बोला कि बहुत दिन नहीं रहा है सर,
बराबर फिर से हो गया कि कुछ ही दिन रहा। तो भैया ये कौन दिमाग लगाएगा? तो ये दिमाग कोई और नहीं, दिमाग आपको लगाना होगा। मैं इसमें क्या करूं जहां पे रूल ही नहीं है? जहां पे कोई रूले नहीं है वहां पे तो खाली दिमाग लगाना होगा। अब ये करा इस सेल्डम को देर कर रहा, मैं कभी कभार वहां जाता हूं, तब यहां पे आई डू नॉट गो देयर वेरी ओपन कह रहा है कि हम बार बार वहां नहीं जाते हैं। मतलब तू क्या कहना चाह रहा है? भाव समझ रहे हो कैसे अर्थ में कोई परिवर्तन हम कर रहे हैं? लेकिन ये कौन, आप या तो याद करो और या तो मेरे भाई प्रैक्टिस में लाओ, और तभी जा कर के ये संभव होगा। और जब याद नहीं करोगे, जब प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह, आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आई डू नॉट गो देयर वेरी ओपन, मैं बार बार वहाँ नहीं जाता हूँ। अब कह रहा है ओनली ए फ्यू पर्सन्स आर, ठीक है, क्रूअल टू बिग, कह रहा है केवल कुछ लोग हैं जो भिखारी के प्रति क्रूर है, निर्दयी है। याद रखना, केवल कुछ लोग हैं जो भिखारी के प्रति निर्दयी है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, कह रहे हैं ना नॉट मेनी पर्सन आर क्रूअल टू बिग, मतलब कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग भिखारी के प्रति निर्दयी नहीं है। बराबर क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर इतना बारीकी से हम तुमको हिंदी तोड़ रहे हैं और हिंदी समझा रहे हैं, तो आपके भी दिमाग में बैठना चाहिए हिंदी। अगर इफ यू नो व्हाट इज द हिंदी ऑफ सेंटेंस, देन इट इज सो इजी टू चेंज। एट फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन हिंदी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज इन इंग्लिश। आई मीन वन सेंटेंस आई एम गिविंग एज एन एग्जाम्पल, और इन द सेंस ऑफ एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, आप भोथर हो, बराबर सबसे पहले जानो कि आप तेज नहीं हो, और फिर ट्रांसलेट बनाएंगे, आप भोथर हो तो यू आर डल, फिर उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, आप तेज नहीं, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो सिंपल सी बात है कि मैंने एक पॉजिटिव लिया और दूसरा क्या बना दिया, ठीक है ना। तो और अगर मैं नेगेटिव लेता कि आप तेज नहीं हैं पहले, तो बराबर क्या लिखते हैं कि आप भोथर हैं। बात समझ रहे हैं? यानी हम यही सीख रहे हैं अभी तक, और एक बार और इसमें जब रिवीजन होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जैसे देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द गर्ल्स वेप, कर रहे सब लड़कियाँ रो गई। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि देयर वॉज नो गर्ल्स बट वेप्ट, मतलब कह रहा ना कि भैया कौनो ऐसा लड़की नहीं थी जो ना रोई। अब बोलो क्या हिंदी हुआ, मने कौनो ऐसा लड़की नहीं थी जो ना रोई, मतलब क्या हुआ? तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि भाई ऑल द गर्ल्स वेप्ट, सब लड़की रो गई, कौनो ऐसा लड़की नहीं थी कि जो ना रोए, मतलब सब रो गए। देखिए कह रहे ना यहाँ पे दे लिखिएगा, टी एच वाई लिखा गया, दे वन ऑल द मैचेस, दे वन ऑल द मैचेस, दे वन ऑल द मैचेस, मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने पूरा मैच जीत लिया। तो कह रहा है कि दे डिड नॉट लॉस ए सिंगल मैच, भैया वो लोग एको को मैच वाना हारा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? देख मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना थोड़ा माइंड भी अप्लाई करना होगा। और जब तक, अब एक मिनट, अगर मैं इस तरफ लिख दूँ नेगेटिव और मैं बोलूँ कि इसको ज़रा पॉजिटिव में चेंज कीजिए, तो सर आपको इस तरफ पॉजिटिव में चेंज करना होगा। अरे बस समझ में, अगर मैं बोलूं कि नहीं बाबू आपको उस तरफ पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आपको पॉजिटिव में भी चेंज करना होगा, लेकिन कोई रूल इसके लिए नहीं होगा। लेकिन 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 अब आ रहा है समय जो रूल की बात कर रहे हैं। अब फिर से रूल में आ जाएंगे, रिमूव करके। कैसे रिमूव करेंगे, तो ज़रा सा देखिए, इसमें तो कोई रूल नहीं था ना, इधर से ही बता रहे हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव। देखो भैया, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, अब यहाँ पे ये अपोजिट वर्ड यूज करके हम इसको बनाएंगे। कैसे जरा देखिए, पहले मैंने बोला नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, अब बराबर लिखे हमेशा सत्य बोलो। अब बताओ एकरा में तुमको कहाँ पे नोट दिख रहा है मेरे बाबू, बताओ तो, कहीं कोई दिख रहा है? तो पहला रूल यही कहता है कि भैया रिमूव करो किसको, अपोजिट वर्ड को। यानी कहने का बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड क्या यूज करो, उसका विपरीतार्थक शब्द यूज करो। जब यहाँ पर नेगेटिव है
कभी झूठ नहीं बोलो, तो यहाँ पे लिख दे कि हमेशा सच बोलो। तो क्या फर्क पड़ा भाई, आप दोनों में से कोई भी बोलते तो सेंटेंस तो सब सही होता। कभी झूठ मत बोलो तो यही बात बोलते, कभी झूठ मत बोलो बराबर हमेशा सत्य बोलो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि नथिंग इज पॉसिबल, कह रहे हैं कुछो संभव नहीं है, तो भैया एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, तो नथिंग तो ये ऑलरेडी ना ले ले है, तो नेगेटिव ही ना है। तो हम कहे कि कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है ना, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, तो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल का उल्टा क्या बनाते हैं, इम्पॉसिबल। जब मैंने पॉसिबल शब्द लगाया तो नॉट पॉसिबल लगाया तभी तो जा करके वो इम्पॉसिबल बना। तो जब हम संभव का मान लीजिए कि बोलेंगे कि अपोजिट वर्ड बनाइए, तो संभव का अपोजिट वर्ड क्या बनाइएगा, असंभव। तो ये बताओ कि संभव का मीनिंग क्या होता है, पॉसिबल, और अगर असंभव बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, इम्पॉसिबल। तो अब बताइए कि अपोजिट वर्ड के सहायता से इसको हमने चेंज किया कि नहीं किया। अब जैसे मान लो ये चीज़ हटा दो, कुछ देर पहले मैंने बहुत सारा सेंटेंस बताया, ठीक है ना, कह रहे हैं कि वह अंधा नहीं है, जरा बताओ मतलब, वह बहरा नहीं है, मतलब भाव हिंदी में जा रहा है ना। अब हमने बोला कि वह गरीब नहीं है, बोलो, तो ये बताओ कि वह गरीब नहीं है, जब मैंने नहीं शब्द का इस्तेमाल किया तो भैया वो नेगेटिव था, लेकिन जब हमने बोला कि वह गरीब नहीं है तो आपने उसके बराबर क्या बोला, अमीर है। तो अगर अंग्रेजी में जब हम बोले कि ही इज़ नॉट पुअर, तो आपने बोला ही इज़ रिच, तो एक तरफ तो नेगेटिव और दूसरे तरफ पॉजिटिव। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, बात समझ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो बाबू एक तो रूल, अब इसको पहले मैं बता चुका हूँ, ये तो केवल देखो, अब एक चीज़ इसको मेरे को नहीं बताना था भाई, खाली हम इसलिए इसको लिखा कि ताकि तू समझ जाओ कि जैसे हम पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, बस उसको उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और यही कारण से मैंने ये लिखा। अब देखो क्या है, थोड़ा रटवाने के भी उसे, अगर नॉट विदाउट है तो डबल नेगेटिव होता है, तो एकरा हटा दो, आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, मैं बिना ईमानदारी के नहीं हूँ, मतलब कह रहे हैं कि मेरे पास ईमानदारी है, हम बिना ईमानदारी के हैं, मतलब कह रहे हैं कि हम बिना पैसे के हैं, मतलब आप पैसा वाला ना है जी, जब कह रहे हैं तो आप पैसा वाला नहीं, नहीं बाबू आपको समझना होगा, मेरे से जितना बार बोलो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि देखो आज के डेट में बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग पर प्रेशर नहीं डालेगा तो समझ लीजिए कि उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, तो हमको प्रेशर भले डालना पड़े लेकिन हम समझाने के लिए तो डालेंगे ही प्रेशर ना, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये जो है पहले मैं बताया, फिर से पहला आप जब कीजिएगा तो अपोजिट वर्ड की सहायता से बनाइएगा, और अपोजिट वर्ड की सहायता से बनाइएगा तो पहला रूल फॉलो होगा। दूसरा मैंने बताया कि डबल नेगेटिव, नॉट विदाउट से, अच्छा एक मिनट याद कीजिए, कल मैंने हंसाया था उस पर कि आई लव यू, तो आई लव यू में मैंने क्या बोला था, आई एम नॉट विदाउट लव, है ना, अगर आई एम नॉट यू फॉर लव या आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, आपने इस तरह का सेंटेंस बनाया, करे कि आई एम नॉट विदाउट लव, मतलब हम प्यार के बिना नहीं है, यानी मुझे प्यार है, अगर यू जोड़ देते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब है कि हमें आपसे प्रेम है, तब ना बोल रहे हैं कि हम आपके प्यार के बिना कुछ भी, क्या कर रहे हैं हम, बस एक फंडा अपना रहे हैं कि वही नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव। और देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों को ये समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नॉट विदाउट यानी डबल नेगेटिव, करें आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, आई हैव ऑनेस्टी, करें देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कह रहे हैं भैया कि बिना आग के धुआं होता है, कि बिना धुआं के आग होता है,
अब बताइए तो कह रहे वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, जहाँ आग होगा वहाँ पे धुआं होगा। कह रहे बिना आगे के धुआं होता है, कह रहे जहाँ आग होगा वहाँ पे धुआं होगा। आप समझ रहे हो, ये एडवांस कभी मिलेगा पढ़ने के लिए, वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, जहाँ धुआं। देखो मैं डब्ल्यू एच फैमिली एक पढ़ाया था बच्चे को, उसमें बताया था कि बाबू जब वेन हो व्हाट हो वेयर हो और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा अर्थ ज से देता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि वो क्या चीज़ के अर्थ देता है, ज से देता है। तो यही चीज़ आपको भी समझना है कि यहाँ पे किस तरीके से है कि जब यहाँ पे वेयर मतलब जहाँ, तो ये अगर जहाँ आग है, देयर तो नथिंग है, देयर तो इंट्रोडक्टरी है ना, जैसे एक राजा है बताया था ना, तो उस तरह की वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, मतलब जहाँ आग है वहाँ पे क्या है, धुआं है। आनंद जी अब उसके बाद जो है कह रहे हैं देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं, और कह रहे जहाँ आग है वहाँ धुआं, मतलब कोई चेंज हम नहीं किए। क्या किए, बस इतने किए कि भाई नॉट विदाउट वाला अर्थ रखे, मतलब ना के बिना, आग रहवे नहीं करेगा तो धुआं नहीं होगा। एक याद करो कि हमने तुमको फेल टू बताया था कि नहीं, फेल टू का मतलब असफल होना। तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना, कि हम फोन किए बिना नहीं रह सके, हम फोन किए बिना नहीं रह सके, हम इस तरीके से बोले कि हम विवेक से बात किए बिना नहीं रह सके, मतलब क्या कह रहे हो? तो क्या सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट बताने में दिक्कत होगा? रोशन जैसे मैंने ये बात बोला कि मैंने विवेक से बात किया पॉजिटिव, करे भैया हम विवेकवा से बात करला बिना ना रहे, मतलब है नहीं जी, मतलब ये कौन समझेगा? हम नहीं समझेंगे, ये आपको समझना होगा, और जब आप समझेंगे तब भी जा करके हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या ये आपको समझना होगा कि बाबू कैसे हो रहा है? अब हम मान लीजिए कि देखिए फेल टू लिखे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे जरा देखो, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। तो भैया जब फेल टू रहेगा तो उसको हटा के उस सीधे सब्जेक्ट और भर बहुत उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो जैसे कहें फेल टू बाय रिमूविंग, क्या कह रहे हैं, रिमूविंग मीन्स क्या होता है, हटाना। तो यहाँ पे कहे ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मतलब वह ताजमहल को देखा, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा, नहीं चुका, एक मतलब क्या हुआ, ताजमहल को देखा। एक मैंने बताया कि अगर नॉट विदाउट हो तो हटा के बना लेना, दूसरा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का फेल टू लगा हुआ हो तो इसको आप रिमूव कर देना, और सेंटेंस को जो साधारण सा पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप इसको बना देना। यही बात ना मैंने बताया कि भाई जो भी सेंटेंस का पैटर्न है इजी वे में आप उसको फुलफिल कर लीजिएगा। अब मैंने क्या बताया जरा समझिएगा कि ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, और दूसरा मैंने आपको मैंने दिया, चलिए ठीक है ना, लास्ट में हम आपको देंगे, पहले इसको ही कर दे रहे हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि हम पत्र लिखे बिना नहीं रहे, मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ, मैंने बोला कि आई डिड नॉट फेल टू राइट ए लेटर, जरा पॉजिटिव बनाइएगा आप लोग, बोलिए आई डिड नॉट फेल टू राइट ए लेटर, मतलब जब फेल टू आ जाएगा तो जिसमें रहेगा उसी में नहीं यूज करेंगे, आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे जब फेल टू आ जाएगा तो हम जहाँ पे हैं आ जाएंगे वहीं पे पॉजिटिव में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नेगेटिव सेंस में बोल रहा है कि आई डिड नॉट फेल टू राइट ए लेटर, कह हम पढ़ाए बिना नहीं रहे, तो आई डिड नॉट फेल टू टीच दिस स्टूडेंट्स, क्या बनाइएगा पॉजिटिव में, आई टाउट स्टूडेंट्स, आई टाउट ना सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, आई टाउट स्टूडेंट्स। तो इन द लाइक ऑफ सेम वे आपको बहुत सारा चीज आपको मिल, बोलो कल नन बट बराबर क्या बताए थे, बोलिए नन बट बराबर क्या बनाए थे, अलोन और ओनली, देखिए फिर से नन बट बराबर क्या बताए थे, अलोन और ओनली, तो भैया अलोन और ओनली बराबर क्या बताए थे, बताओ, फेल टू नहीं था तो हमने क्या लगाने के लिए बोला था, फेल टू नहीं बोले थे,
अगर नॉट विदाउट था तो क्या बोले थे इसको कि भैया हटा देना, और अगर मान लीजिए नहीं है तो क्या कहे थे, लगा देना। तो ये बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, वही नियमों को यूज न कर रहे हैं जो कल हम नियम पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि आप तो यही कर रहे हो कि पॉजिटिव से कंपरेटिव, कंपरेटिव से पॉजिटिव, है ना। और अगर मान लीजिए कि इसमें कर रहे हो क्या भैया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। अब जरा सा एक चीज और समझने वाली बात है कि जैसे मैंने यहां पे लिखा नन बट, कहा नन बट यू वांटेड टू हेल्पलेस, कह रहे ना कि तुम्हारे छोड़ करके कोई और मदद नहीं करना चाहता था असहाय को, मतलब तुमको छोड़ करके कोई भी मदद नहीं करना चाहता था असहाय को। तो इन द लाइक अब से मैं जरा सा देखो तो क्या हो गया कि भैया केवल तुम ही थे जो मदद करना चाहते थे असहाय को, बाकी तो कोई मदद नहीं करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, तो भैया ये तो फॉर्मेट रट गए ना, कि अगर मान लीजिए कि नन बट रहेगा तो अलोन या ओनली होगा, और जब ओनली या अलोन रहेगा तो क्या होगा, नन बट होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो सुनर डॉट डॉट देन, और उसके बाद लिखा है एज सुन एज। अच्छा एक चीज़ बताइए, एज सुन एज बराबर हमने क्या बताया था, एक मिनट, तो नॉट सुनर देन बराबर क्या होगा। अब एकदम सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे बताया कि नो सुनर देन बराबर एज सुन एज, मैंने एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे लिखने के लिए बोलिएगा लिख देंगे। एग्जांपल में क्या, जैसे मैंने बोला कल बताया था एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब इसको बना करके नो सुनर से देखिए, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन बाबू द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो मैंने क्या बताया था याद कीजिए, हाँ कि बाबू नो सुनर डीड आई रीच द स्टेशन। तो एक बात बताइए, मैंने क्या बोला, नो सुनर के साथ देन लगाने के लिए ना, और कल भी दो चीज़ आपको बताए थे टी एच ई एन और बताए थे टी एच ए एन, समझ रहे हैं ना, क्या बताए थे टी एच ई एन और टी एच ए एन। तो टी एच ए एन नो सुनर के बाद होगा नहीं, और टी एच ई एन जो होता है तब के सेंस में यूज होता है। तो अब हमको लगता है कि अब देखिए नो सुनर देन रहेगा तो आप एज सुन एज का प्रयोग कर लेंगे, नेवर बट वेन और वेन एवर, नेवर बट वेन और वेन एवर, आई नेवर गो टू यू बट डू नॉट फाइंड यू, कह रहे हैं यहाँ पे नेवर गो टू यू बट डू नॉट, कह रहे कि मैं कभी नहीं जाता हूँ लेकिन जाता हूं तो तुम मिलवे नहीं करते हो। तो यही कह रहा है कि जब कभी भी हम जाते हैं तो नहीं मिलता, बात क्या कहना चाह रहे हो, जब कभी भी जाता हूं तो आप नहीं मिलते हो। तो इस तरीके से सेंटेंस, मैं इसको मिटा करके यहां पे आपको बनवा रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसी पर, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको समझ में एकदम बेहतरीन आएगा। अब यहां पे मैंने ये सेंटेंस को लिखा और देखिए यहां पे डिग्री रिमूवल टू तो अलग चीज हो गया, अब तो आपको भाव पता चल गया। देख मेरे भाई रिमूवल टू भी नहीं आता है, बहुत सारा रूल्स पढ़ने के लिए रिमूवल टू में भी है, आपको कमांड करना होगा और क्वेश्चन एक दो जरूर रहेगा रिमूवल टू से, आप याद रखिएगा, समझ रहे बच्चा, रिमूवल टू से भी क्वेश्चन आपका होगा जो आपको याद करना होगा, समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं। तो ये जो है यहां पे हमने क्या बोला कि बाबू ई दोनों को नियम के अनुसार छोड़ दीजिए, डिग्री आप पढ़ चुके हैं, रिमूवल टू आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि नो रूल्स लिखा हुआ है ना, तो डोंट मेक ए नॉइज बराबर कीप साइलेंस। अच्छा एक मिनट, अगर हमको कीप साइलेंस नहीं बोलना रहता तो क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट बोलते हैं, बोलते हैं ना, क्वाइट मीन्स भी तो चुप होता है, कीप मीन्स रहिए, तो यानी कीप क्वाइट चुप रहे। और ये देखिए लिखा हुआ ही इज नो फूल, मतलब ही इज ए क्लेवर मैन, कह रहे हैं देखिए हम कहते कि वह मूर्ख नहीं है तो एक और ट्रांसलेशन बना सकते थे कि ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, लेकिन मैंने क्या बताया दूसरा तरीका फिर अपना है कि ही इज नो फूल, वह मूर्ख नहीं है, मतलब वह चालाक व्यक्ति है, ठीक है ना। डोंट स्मोक हेयर, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि धूम्रपान मत करो, यानी कह रहा है कि धूम्रपान से परहेज करो। तो एक बात बताओ कि धूम्रपान मत करो और धूम्रपान से परहेज करो, तो बात तो बराबर हो गया, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बाबू ओवरऑल देखा जाए तो आप देख सकते हो कि भाई अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का सेम रूल है,
बस ध्यान रखना कि इस तरफ अगर नेगेटिव है तो उस तरफ पॉजिटिव बना देना, और उस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव। अगर सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड है तो ऑपोजिट वर्ड की सहायता से बनाना, अगर लिखा हुआ है कि फेल टू के सहायता से तो फेल टू है तो उसको हटा करके और पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम सेंटेंस को डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको आता है डबल नेगेटिव वाला नॉट विदाउट, तो नॉट विदाउट को हटा के डायरेक्ट लाइन पर आ जाएंगे। नहीं, अब यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं, फेल टू रहेगा तो फेल टू को हटा के डायरेक्ट पॉजिटिव बना देंगे। और एक है नेवर, ठीक है, ए नन बट है, नन बट है तो अलोन या फिर ओनली, और या अगर मान लीजिए अलोन और ओनली है तो इधर हम नन बट का प्रयोग करेंगे। और ये नो सूनर अगर देन है तो एज सून एज, और जब एज सून एज है तो नो दूनर, ठीक है ना, नो सूनर देन करेंगे। और अगर नेवर बट है तो नेवर बट का वेन या वेनेवर में, और जब वेन या वेनेवर है तो नेवर बट, बस अपोजिट ना कर देना है, एक दूसरे के ट्रांसफ़र कर देना है ना, और जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ, और यहाँ पे नो रूल्स है, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं अब, ठीक है ना।